नमस्कार, सिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं अभी मौजूद हूं गोराडी प्रखंड के पिथना पंचायत में। लगातार ग्रामीण चुनाव, पंचायत चुनाव की जो भी रणनीति, राजनीति, जो भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं प्रत्याशियों द्वारा, प्रचार अभियान, प्रसार अभियान, इन सभी चीज़ों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं, प्रत्याशियों से भी बात कर रहे हैं और आप तक उनके मुद्दे, उनके मंसूबे पहुँचा रहे हैं। अभी हमारे साथ पिथना पंचायत के यहाँ के कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं, स्थानीय जनता हैं। इस दौर से जो पंचायत का अभी दौर चल रहा है, आज के बाद पंचायत चुनाव पर प्रचार प्रसार में रोक लग जाएंगी, जिसके बाद 15 तारीख को चुनाव होना है और 2 दिन बाद फिर रिजल्ट आएगा। देखना यह है कि यहाँ की जनता क्या बदलाव चाहती है, इनके मन में क्या है, किस प्रकार के प्रत्याशियों को ये इस बार वोट देगी, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, कौन कौन से मुद्दे को लेकर ये इस बार अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। तो यहाँ की आम जनता से हम बात करेंगे। लगातार आपको, जैसा कि हम हर पंचायत में, हर क्षेत्र में दिखा रहे हैं वहाँ की स्थिति, वहाँ की क्या ग्रामीण क्षेत्र में विकास की ज़रूरत है, किस प्रकार से प्रतिनिधि, चुनाव प्रचार प्रसार, जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हम आप तक पहुँचा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ की लोकल जनता, स्थानीय लोग हैं जो बहुत सारे हैं और अच्छे संख्या में, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं, आपको भी बताते हैं कि आखिर पिथना पंचायत में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, किस प्रकार के प्रत्याशियों की यहाँ ज़रूरत है, किस प्रकार के मुखिया बनेंगे तो यहाँ पर इस क्षेत्र में विकास होगा, पुराना मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा, इन सभी मुद्दों पर हम प्रकाश डालेंगे और ये बात यहाँ की जनता से जानेंगे कि कैसा विकास रहा, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्थानीय जनता है, लोकल जनता है, वही बता सकती है कि इनके क्षेत्र में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या सच्चाई रही विकास की। आइए हम बात करते हैं यहाँ की जनता से, यहाँ के क्षेत्र की जनता से। सबसे पहले, हाँ भैया, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमशाद। शमशाद भाई, चुनाव प्रचार अब थम जाएगा, 15 तारीख को चुनाव होना है, 2 दिन बाद रिजल्ट आएगा, क्योंकि मुखिया के कंधे पर ग्रामीण क्षेत्र का, पंचायत के विकास का बहुत ज़्यादा कार्यभार रहता है। आपको क्या लगता है, जो पुराने आपके मुखिया थे, जिनका पिछला 5 साल अब खत्म होने को है, खत्म हो चुका है, वो कैसे थे और आने वाले समय में आप कैसा प्रत्याशी चुनना पसंद करेंगे? हम लोग जो है दोस्तों, अभी जो है तो पुराने मुखिया को चुनना पसंद नहीं करते, नया मुखिया चुनना पसंद करते हैं। अच्छा, नया मुखिया कोई चुनिएगा, कैसा मुखिया होगा आपके क्षेत्र का, क्या लगता है, नया जो मुखिया आप चुनिएगा कैसा मुखिया होगा? मुखिया देखिए सर, हमारा नया चेहरा तनवीर इम्तियाज मुखिया। अच्छा, मतलब कोई प्रत्याशी हैं इम्तियाज जी, उनको आप वोट करेंगे। अच्छा, क्या देखकर आप जो है इस बार आप वोट कर रहे हैं, विकासशील कैंडिडेट, जात धर्म या फिर क्या, भाईचारा या फिर ऐसा कैंडिडेट जो आपके क्षेत्र में बिना किसी घोटाले के, बिना किसी भ्रष्टाचार के विकास करे, क्या देखकर आप इस बार वोट कर रहे हैं? देखिए, हमारे गाँव में तो आज तक कभी कुछ हुआ नहीं। अच्छा, इसीलिए हम लोग नया चेहरा चुन रहे हैं। अच्छा, और हमने चुना है और इंशाल्लाह उसे वोट देंगे और उसको जिताएंगे। मतलब गांव में विकास की ज़रूरत है, जैसा ये बता रहे हैं कि गांव में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, इसी कारण से ये नए चेहरे को मौका देना चाहते हैं। पुराने प्रत्याशियों पर इन्हें यकीन नहीं है, कुछ युवा भी हैं हमारे साथ और युवाओं का मत काफ़ी हद तक बहुत वैल्यू करता है, बहुत मैटर करता है। युवाओं से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनके दिल में क्या चल रहा है। भाई, वोटर कार्ड तो होगा आपका? जी सर, है बिल्कुल। तो कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं अपने समाज के लिए? सर, मैं क्या, पूरी जनता चाहती है कि इस बार बदलाव होनी चाहिए और बेशक निश्चित तौर पे बदलाव होनी चाहिए। पिछले हमारे 5 साल किस तरह के बेकार और इस तरह से गया सर, कि हम लोग को उस चीज़ पे खेद हो रही है कि कोई भी विकास का आप मुद्दा उठाएंगे तो वो हमारे इतना पंचायत के अंदर नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हाँ। मतलब तो 5 साल में सड़क, नाला, पानी, जल नल समस्या, इन सभी चीज़ों में से किसी चीज़ का निदान नहीं हो पाया? बिल्कुल नहीं सर, ये हमारा समस्या एक शुरू से है और अभी तक है। और इस बार की जो हम लोग ने, हमारी जितने भी जनता है इधर दिख रही है सर, आपके सामने सिल की टीवी लाइव पर जो भी चल रही है सर, तो इन लोगों ने पूरी एकदम ये बना लिया है सर कि इस बार पूरा चेंज करेंगे इंशाल्लाह, और हमारी यही उम्मीद। युवाओं की मतलब ये है इस बार जुनून है सर, इस बार युवाओं का, इस बार युवाओं का जुनून है कि इस बार एकदम चेंज होने चाहिए। 5 साल हमको वापस वैसा नहीं करें, और जाकर के जितने भी बात हुए हैं सारे सर मुद्दों पे बात हुए हैं, हमारे खेल के लिए स्पॉट लाइन नहीं है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों को खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। हम क्या करते सर, खेती बाड़ी खोड़ करके क्रिकेट खेलते हैं या किसी तरह का कुछ भी हो सर, किसी घर में बॉल चली जाती है उसमें हमारी बहुत समस्या है सर। अच्छा, युवाओं को खास करके खेल से पढ़ाई, शिक्षा, खेल व्यायाम, सभी चीज़ों की जरूरत होती है और ये चीज़ें अगर समाज में नहीं हो, जैसा इन्होंने कहा कि किसी भी योजना का लाभ धरातल पर नहीं दिखा, आपके क्षेत्र में क्या लग रहा है चाचा, पिछले 5 साल में विकास हुआ या नहीं हुआ? पिछले 5 साल में विकास नहीं किया, इसलिए पिथना पंचायत के लोग चाहते हैं कि नया चेहरा सामने आना चाहिए और बिल्कुल नए चेहरे के सपोर्ट में चूँकि पिथना पंचायत के लोग हैं और इस बार नया चेहरा। चूँकि हम चाह रहे हैं, आप लोग सभी से अनुरोध करते हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, कृपया शांति बनाए रखें। ऐसा होता है कि इतने लोग हैं तो कहीं ना कहीं स्वर्गुल हो जाती है, पर चूँकि बात कर रहे हैं, मुद्दे पर चर्चा हो रही है, तो हम चाहते हैं थोड़ा शांति बनाए रखें यहाँ पर।
क्या देखकर आप इस बार अपने कैंडिडेट को चुन रहे हैं, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? कैंडिडेट जो होना चाहिए जो पिथना पंचायत का चौथरपा विकास कर सके और हर मुद्दे पे विकास कर सके। चूँकि भ्रष्टाचार, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, उसके इंदिरा आवास में जो सूची में डलवाने का काम और सरकार से जो लाभ मिलता हो आम जनता को, उस पर जो पहल करे वैसे कैंडिडेट को चाहिए। मतलब सरकारी योजना का लाभ पिछले 5 साल में आपके क्षेत्र में कितना मिला? 10% 20%? आप फीसदी के इसमें फीसदी के बिल्कुल नहीं के बराबर मिला है। मान लीजिए 25% के करीब में हम उम्मीद करते हैं कि सरकारी लाभ लोगों को मिल सका है और जिससे बाकी लोग वंचित रहे। जब 25% मिला और उस योजना का लाभ दिलाने में भी क्या भ्रष्टाचार था, ये बताइए। चलिए देखिए, जिस प्रकार से राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इन सभी चीजों में तो होता ही है, खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना में मोटा रकम लिया जाता है घर देने के नाम पर, या किसी अन्य लाभ के नाम पर भी आपसे पैसा ऐंठा जाता है। तो जो 25% लाभ दिया गया, क्या लगता है आपको उसमें भ्रष्टाचार था या फिर वो मतलब भ्रष्टाचार के बिना दिया गया, साफ सुथरे ढंग से दिया गया? भ्रष्टाचार पिथना पंचायत में बिल्कुल भ्रष्टाचार है और हम चाहते हैं कि पिथना पंचायत से बिल्कुल भ्रष्टाचार दूर हो जाना चाहिए। और जो नया कैंडिडेट है, उम्मीद करते हैं कि अगर इस बार लोग अगर उसको सपोर्ट करेंगे और मुखिया बनेंगे तो भ्रष्टाचार को जल से। क्षेत्र की जनता कहीं ना कहीं अपने जनप्रतिनिधि से आक्रोशित है और ऐसा होना भी चाहिए। यदि सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए इसकी जिम्मेदारी मुखिया को दी गई है, मुखिया को ऐसा होना चाहिए कि उनकी क्षेत्र की जनता को सारे योजनाओं का लाभ अच्छे ढंग से मिले, भ्रष्टाचार के बिना मिले। पर यदि क्षेत्र में जनता को किसी भी लाभ दिलाने के नाम पर पैसा हटा जाता है, भ्रष्टाचारी की जाती है, तो जनता इस चीज़ को लेकर अपने जनप्रतिनिधि से आक्रोशित होगी। और भी लोगों से हम बात करेंगे, क्या लगता है आपको आपके क्षेत्र में कैसा मुखिया चाहिए आपको? मेरे क्षेत्र में तो सर अभी तक मैं 20 साल खो दिया। अच्छा, 15 साल में इधर पिथना में खो दिया, 5 साल कुरुडी में खो दिया, मेरा कोई भी विकास हुआ नहीं। अच्छा अच्छा, मेरा बच्चा भी स्कूल में आता है, मास्टर भी नहीं रहता है, बच्चा मेरा खिचड़ी खा के गाँव जाता है, अपने घर पे जाते हैं, कोई भी विकास नहीं होता है। अब आ जाइए मतलब अपना विकास के जमीन जगह पे, तो इसमें क्या हुआ है आज तक कोई इंदिरा आवास का मुखिया से मतलब बात रखो तो आपको 20,000 रुपया देना पड़ेगा। अभी हमारे पास सर अगर 20 रुपया रहते हैं, 20,000 रहते तो मैं अपना खुद का मकान बना लेता, लेकिन मैं खुद का 3 बच्चे को पाल नहीं सकता है, तो मैं 20,000 इकट्ठा जमा कैसे करेगा? सही बात। क्या करते क्या आप अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं आप? हम अच्छा मुखिया चुन रहे हैं और इंशाल्लाह मेरा जो इम्तियाज आलम है मुखिया साहब, तो इंशाल्लाह अभी जीत के तौर पे है, पूरे गांव आवाम मतलब इनके साथ में है। सब बूढ़ा बुजुर्ग का सब इनके साथ में हुआ है। अच्छा, इम्तियाज आलम कोई प्रत्याशी है पिथना पंचायत के जिनके बारे में यहाँ पर युवाओं के बीच खासा चर्चा है, और खासकर मैं बताऊँ तो बुजुर्ग या फिर जो भी आम जनता अभी हमारे साथ आप देख रहे हैं चौपाल पर, इम्तियाज आलम का नाम खासकर बहुत जोरों पर लिया जा रहा है, इम्तियाज आलम के नाम पर वजन दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यहाँ की जनता इम्तियाज आलम को ही चुने, और यदि इम्तियाज आलम से हमारी मुलाकात होगी तो हम आप तक उनकी भी बातें, उनके भी मुद्दे पहुँचाएंगे। क्या लगता है, सच्चाई है इस बात में जी, इंदिरा आवास यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे आप लोग से क्या पैसा ऐंठा जा रहा था, पैसा लिया गया? जी, हाँ, और बल्कि मुखिया बोलते हैं कि 20,000 रुपया पहले डिपॉजिट जमा कर दो। अच्छा, उनके बाद में हम आगे से विकास कराएंगे। वो बोलते हैं कि हमारे को 4 जगह 6 जगह पैसा बांटना पड़ता है, तभी वो जो है तो इंदिरा आवास देने को वो बोलते हैं। और हम इससे पहले भी जो है तो बहुत प्रयास किए, 15 साल 20 साल में हमारे जो भी मुखिया बने उन मुखिया के पास मैं अपने बात रखे उनके पास में, लेकिन उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं किया। वो पहले हमारे पास यही शर्त रखते हैं कि 20,000 रुपये जमा करो, उनके बाद में ही आपको इंदिरा आवास देने का हम शुरुआत करेंगे। तो आज तक तो सर कोई नहीं दिए, और अभी तक कोई भी ऐसे मिले नहीं कैंडिडेट हमारे। आज हमारे इम्तियाज भाई हैं जिनको हम गर्व के साथ कहते हैं कि इनको वोट देंगे, इनको जिताएंगे, ये हमारा विकास करने वाला मुखिया है। एक सुर में यहाँ की जनता ने जब मैंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर आपसे पैसा लिया जा रहा है, तो यहाँ की जनता ने एक सुर में हाथ उठाया, कहा एक सुर में,
कहाँ पैसे लिए जाते हैं और वैसे लोगों से पैसे लिए जाते हैं जिनके सर पर छप्पर नहीं होती, जिन्हें अपने कमा कर खाने के लिए मेहनत करने पड़ते हैं। वैसे गरीबों से यदि पैसा लिया जाए सरकारी योजना का लाभ देने के नाम पर, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का भ्रष्टाचार क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में, ग्रामीण स्तर पर चल रहा है। आप भी बताइए कुछ कौन है और इधर कुछ बताइए समाज में, आप लोग का समाज है अगर आप लोग नहीं बताइएगा। जनता कहीं ना कहीं पत्रकारों को देखकर अपने शब्दों को नहीं रखना चाहती है, डरती है। एक भाई साहब हैं और हमारे साथ युवा हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आपके क्षेत्र का क्या नाम है। मेरा नाम मोहम्मद रेहान। रेहान भाई आप युवा हैं, आप हमेशा चाहते हैं कि युवाओं के लिए शांति बनाए रखिए, आप लोग शांति बनाए रखिए, ऐसा कुछ विकास हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, जिन्हें जो चीज़ की जरूरत है, जो लाभार्थी हैं, जो जरूरतमंद हैं, उन्हें बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस लिए उनका काम कराया जाए, सरकारी योजना का लाभ दिलाया। आपके क्षेत्र में क्या रहा, इस पूरे रंग रूप को आप हमारे जनता तक पहुंचाएं, दर्शकों तक। सबसे बड़ी मुश्किल है, जो मेरा पहला बात जो है, सबसे बड़ी मुश्किल है यहाँ की कि जैसे इंदिरा आवास हो या कोई सा भी फंड हो, तो यहाँ के नेता लोग जो है ना रेट फिक्स करके रखा है। अच्छा अच्छा। लेटरिन का मिलेगा तो 2000 देना है, इंदिरा आवास मिलेगा तो 20000 देना है। अच्छा। और भी कोई फंड होगा तो मतलब कि रेट जो है ना, जैसे दुकान में फीस फिक्स होता है ना, इसी तरह फिक्स किया है। तो सबसे और दूसरी बात यह है कि जैसे शिक्षा, स्कूल में हम लोग के यहाँ कभी आइएगा, अगर अनजाने में अगर आप आके देखिएगा तो सरकारी जिस तरह टीचर होते हैं, तो कोई मतलब कि पढ़ाई तो कुछ नाम है ही नहीं, बस आओ खाओ उसके बाद ढोल बजाओ घर जाओ, बस यही है। शिक्षा को लेकर भी लचर व्यवस्था है और इस प्रकार से यदि रेट बांध दिया जाए हर एक लाभ देने के नाम पर, हर एक योजना के नाम पर, तो आप समझ सकते हैं क्षेत्र की जनता कितना आक्रोशित होगी अपने जनप्रतिनिधि से। आप बताइए कितना सच्चाई इन सभी बातों में। बिल्कुल 100% सच्चाई, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा, 100% सच्चाई है। बिल्कुल। मतलब पुराने जो भी मुखिया थे, आप लोगों ने ही वोट दिया, आप लोगों ने ही जिताया, पर आप लोगों के लिए उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। यहाँ तक मैंने मतलब फेस भी नहीं देखा, वो दिखते कैसे, यहाँ तक ये सवाल। और आप यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी? बिल्कुल, यहाँ बचपन से मैं यहाँ जिंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने हम लोग पहचानते ही नहीं, आप लोग मुखिया को पहचानते भी नहीं है कि मतलब यहाँ पे आए, जीतने के बाद हम लोग ने उनको जिताया, सपोर्ट किया, लेकिन उनके बाद जो है तो यहाँ पे बिल्कुल भी आए नहीं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, उनको ये भी मतलब नहीं है, और अभी तक नहीं आए, सिर्फ अब जब वोट लेने का समय आ गया है तो फिर वो आ रहे हैं वोट लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे कभी भी ना रोड देखा है, ना नाला देखा है कि किस हिसाब से इंसान रह रहा है, कोई भी विकास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और शिक्षा के नाम पे तो मतलब बिल्कुल भी, उनको कभी स्कूल भी नहीं देखा होगा कि मतलब किधर है स्कूल, कौन सा जगह पे है, ऐसा है। तो मुखिया नहीं आते हैं और हम लोगों को मतलब कोई भी विकास का ये नहीं होता है, और शिक्षा के नाम पे रोल। गोराडी प्रखंड के पिथना पंचायत आए हुए हैं, यहाँ पर हम दौरा कर रहे हैं, यहाँ की जनता से बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार जनसंपर्क अभियान का आज अंतिम दिन है, इसको लेकर हमने सोचा कि यहाँ की जनता से बात किया जाए, किन मुद्दों पर इन्होंने प्रत्याशियों को चुना है, किन मुद्दों पर ये वोट करेंगे, कौन कौन से विकास कार्य पुराने मुखिया द्वारा किए गए, इन सभी बातों पर चर्चा किया जाए। हमने यहाँ के युवाओं से बात की, यहाँ के बुजुर्गों से बात की, हमारे साथ यहाँ की स्थानीय महिलाएँ हैं, क्योंकि समाज में जितनी भागीदारी पुरुषों की होती है, महिलाओं की भी उतनी ही होती है, तो हमने सोचा कि महिलाओं के मुद्दे भी, महिलाओं के बात भी आप तक पहुंचाया जाए, महिलाओं के शब्द भी आपको सुनाया जाए। आपका नाम क्या हुआ? सोनम। सोनम, आप चूंकि युवा हैं, आप समाज में हमेशा से रहे, बचपन से रहे, आपने क्या देखा पिछले 5 साल में, सड़क, नाला, बिजली, पानी, इन सभी चीज़ों में क्या विकास हुआ? जी, हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, हमारे गाँव में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, हमें बदलाव चाहिए। और हमारे गाँव में नाला नहीं है, रोड नहीं है, जब बारिश होती है तो बच्चा स्कूल जाने के लिए सोचता है कि हम कैसे स्कूल जाएं, इस चीज़ का हम लोगों को बदलाव चाहिए। अच्छा, तो महिलाओं को लेकर काफ़ी योजनाएं आती है, महिलाओं के लाभ, महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार बहुत हद तक कार्यरत है, कार्य कर रही है, आपके क्षेत्र में महिलाओं को लेकर क्या विशेष कुछ किया गया ऐसा पिछले 5 साल में, महिलाओं की को लेकर कुछ जिम्मेदारी महिलाओं को बांटी गई, कुछ ऐसा कार्य लाभ कुछ भी महिलाओं को किसी योजनाओं का? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, हमें बदलाव चाहिए। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, दादी तो बताओ कि होना पिछला 5 साल में, कुछ विकास होना? कुछ नहीं, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं बेटा, सड़क उड़क कुछ? कुछ नहीं, कुछ नहीं ना, घरे घर पानी पहुँचे चाहो यहाँ? हाँ, पानी घरे घर, पानी घरे घर, नाला उला कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं बोलना। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों विकास कार्य अटका पड़ा, इन्होंने अपने क्षेत्र की के प्रत्याशियों को वोट दिया, चुना। आप बताइए कैसा रहा पिछला 5 साल मुखिया जी का, काम किया मुखिया जी? जी नहीं, कोई काम वो नहीं करें। पहली बात तो शिक्षा है, पर बच्चे लोग को शिक्षा नहीं मिल पाता, और दूसरी बात यहाँ को ऐसा विकास हुआ ही नहीं। और पहले तो मुखिया बन जाते हैं, जब बोर्ड का समय आते हैं तो शकल दिखाते हैं,
और जब बनने के बाद वो शक्ल नहीं दिखाते, मतलब हम लोग देखा ही नहीं कौन मुखिया कौन है या नहीं है, नाम तक नहीं जाना हम लोग है कौन, बस उसी टाइम जानते हैं जो पर्चे में छपा होता है। अच्छा। बस और कोई विकास तो हुआ है नहीं, हम तो आप तो देख ही रहे हैं हमारे गांव का हालात, कोई विकास नहीं हो पाया ना तो गांव, और हमें तो कोई लाभ नहीं मिला। आज तक हम लोग शिक्षा इंटर हम लोग कर लिए लेकिन कोई लाभ नहीं मिला कि सरकारी पैसा कैसा होता है, बल्कि हम लोग खुद अपना दिया लेकिन लिया नहीं, आज तक कुछ ऐसा हो ही नहीं पाया। और जैसे कि कोई सड़क हो या नाला हो या कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मतलब आप अपने पुराने मुखिया से संतुष्ट नहीं हैं, आप बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल, पूरे तरीके से बदलाव ही चाहते हैं हम लोग। देखिए दोनों जो बच्चियाँ हैं, ये दोनों अभी पढ़ने के लिए पढ़ रही हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, इनको अपने समाज को लेकर काफ़ी चिंताएं सताती है। जिस प्रकार से पिछले 5 साल में विकास कार्य नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, इन लोगों को ये समस्या है, आक्रोशित है अपने जनप्रतिनिधि से। ये और भी महिलाएँ चाची बताओ, क्योंकि हमने यहाँ के पुरुषों से बात की तो सोचा महिलाओं की भी, जो भी महिलाओं के मन में इन सभी चीजों को भी जाना जाए। चाची पिछला 5 साल में की विकास होना तो क्षेत्र क्या, हम लोगों को तो कुछ पता नहीं चला कि विकास हुआ कि नहीं हुआ, हम लोग कुछ मालूम ही नहीं, कुछ हो भी नहीं किया, क्या बताएं। जब मुखिया को जानते हैं आप, देखे हैं कभी? ऐसा देखा तो है, मुखिया गांव के चलता फिरता तो देखते हैं मुखिया। अच्छा। है तो वोट मांगने इस बार भी आया होगा? सब मुखिया वोट मांगने आ रहा है, मैं वोट देना नहीं, हमको लोग को अच्छे मुखिया चुनना है, देखना है जिसको सबसे अच्छा काम कर सके, विकास कर सके, देना है वोट। कैसा मुखिया चाहते हैं आप अपने समाज में? मुखिया क्या देख के आप मुखिया चुन रहे हैं? क्या देखे, समाज को अच्छे से चला सके, अच्छे से देख सके, अच्छे से देखभाली कर सके, इसीलिए हमने चुने अच्छे मुखिया। आप बताइए चाची, सड़क नाला की सब बना 5 साल में? नहीं बना, भ्रष्टाचार हुआ है मतलब? हाँ, खाली ऐसे प्रचार हुआ, इसीलिए मेरे लोग चाह रहे कि बढ़िया मुखिया बनना चाहिए तो काम होना चाहिए, पब्लिक लोग तबे ना पब्लिक लोग खुश होगा, आप बनेगा तबे ना। क्या लगता है आपको पिछला 5 साल का काम कैसा रहा मुखिया का? नहीं अच्छा रहा, हम लोग मुखिया को देखे ही नहीं। सड़क नाला, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इन सभी चीजों का फायदा आप लोगों को मिलता है? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिलता है। अच्छा दादी, एक वृद्ध दादी, वृद्धा पेंशन मिले जो तोरा? हाँ हमको मिले है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चरम पर है, और जिस चीजों को लेकर हम लोग अक्सर चिंतित रहते हैं वो है समाज में विकास, और यही विकास यदि थम जाती है तो यहाँ की जनता अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोशित हो जाती है। हमने बात की यहाँ की महिलाओं से, यहाँ के जनता से, बुजुर्ग से, बच्चों से, युवाओं से, और हमने जाना कि किस तरीके से पिछला 5 साल मुखिया जी का रहा, आने वाले समय में ये कैसे प्रत्याशी चाहते हैं। और चूंकि एक प्रत्याशी का नाम बड़ा ज़्यादा चर्चा में था, उछल रहा था, युवाओं के मुँह से भी हम लोगों ने सुना, हम चाहते हैं कि एक बार उस प्रत्याशियों के मुद्दे और उस प्रत्याशियों के जो भी आने वाले समय विकास कार्य होने वाले हैं, जो भी वो करेंगे, जो भी उन लोगों ने सोच कर रखा है, ये सभी चीज़ें भी आपको दिखाएं। जनता से बात करने का यही मकसद होता है, जो यहाँ की ग्रामीण स्तर की सच्चाई है, जो यहाँ विकास, जो यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सभी चीज़ें यदि हम आपको बताएंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं ना कहीं हमने उसमें कुछ मिलावट की है, पर यदि हम जनता से सीधे आपको रूबरू करवाते हैं तो उसमें किसी प्रकार की मिलावट की कोई संदेह नहीं होती है। जनता वही बताती है जो यहाँ की सच्चाई है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, विकास और अनियमितता यहाँ चल रही है, इन सभी चीज़ों को जनता आपको बता रही है, और इन सभी चीज़ों में कोई लाव लपेट नहीं है। हम चूँकि यहाँ पर एक प्रत्याशी है हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे, इम्तियाज नाम है इम्तियाज जी, उनको लेकर युवाओं में काफ़ी खासा उत्साह है, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखते रहिए सिल्क भी मेरे साथ रोल। पिथना पंचायत में ग्रामीण जनता से बात करने के दौरान एक नाम युवाओं के मुंह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, हमने सोचा कि वैसे प्रत्याशी से भी बात किया जाए जिनकी चर्चा युवाओं के बीच है, जो आने वाले समय में क्षेत्र की समस्या को देखेंगे, क्षेत्र की समस्या का समाधान करेंगे। तो हमारे साथ हैं इम्तियाज जी, इनसे हम बात करेंगे कि किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कौन से विकास कार्य हैं जो इन्होंने सोच कर रखा है कि यदि जनता इन्हें जिताती है तो ये वो काम करेंगे। सबसे पहले इम्तियाज जी, हमने सोचा आपकी क्षेत्र की जनता से बात कर रहे हैं तो किसी एक प्रत्याशी से भी बात किया जाए, आपका नाम काफ़ी चर्चा में था, ऐसा क्यों? युवाओं के मन में आपको लेकर काफ़ी श्रद्धा है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप विकास करेंगे, आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, ऐसा क्यों? देखिए हमारे यहाँ पिथना पंचायत में, पिथना पंचायत के लोगों की ये चाहत बनी कि मैं इलेक्शन में आऊँ। अच्छा। कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि आप इलेक्शन में आओ इसलिए कि आप बेहतर हो और मैं चाहता हूँ कि आपको लाऊं। तो हमारे यहाँ की आवाम ने हमें चाहा है और मुझे इलेक्शन में उन लोगों ने लड़ाया है मिलजुल करके, इसलिए मैं तैयार भी हुआ हूँ, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन में जो हालात बने उस हालात को जो हम लोगों ने देखा है वो बहुत दयनीय था।
अच्छा अच्छा, इसलिए जो लोगों की चाहत है मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ उस पर खरा उतरे। चूँकि इम्तियाज़ जी, हमने आपके क्षेत्र के युवाओं से बात की, महिलाओं से बात की, बुजुर्गों से बात की, कोई भी एक इंसान आपके क्षेत्र के अभी के तत्कालीन जनप्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं है, उनके कार्यकाल से खुश नहीं है, वो बदलाव चाहते हैं, सब प्रतिनिधि चाहते हैं, सब प्रत्याशी चाहते हैं जो उनको समाज के साथ रहे और समाज में कार्य करे। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट मांगने जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ जो लोग अब से पहले मुखिया थे उन्होंने कभी शिक्षा पे कोई काम नहीं किया हमारे यहाँ, जो सबसे बड़ी दौलत मानी जाती है। अगर शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं जी। हमारे यहाँ के जो स्कूल के हालात हैं वो बहुत दयनीय हैं, जिसकी वजह से लोगों ने उनको नाकारिज किया है, नाबाद किया है, इसलिए कि कभी भी हमारे यहाँ समय पे टीचर्स नहीं आते या हमारे यहाँ की शिक्षा पे ख्याल नहीं करते। और जो विकास के मुद्दे पर जो लोगों ने कहा है, तो हमारे यहाँ रोड नाले का जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है, बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से लोगों ने उनको नाबाद किया और मुझे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी एक बात को लेकर काफ़ी गर्म थी चर्चा, मुद्दा गर्म था, भ्रष्टाचार आपके क्षेत्र में चरम पर रहा, प्रधानमंत्री आवास योजना रहे, राशन कार्ड रहे, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, भी चीज़ों का लाभ दिलाने के नाम पर, सरकारी योजना धरातल पर पहुंचाने के नाम पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार आपके क्षेत्र में रहा। आप इन सब चीज़ों पर कैसे अंकुश लगाएंगे, आप इन सब चीज़ों को कैसे रोकेंगे यदि आप पर जनता भरोसा कर आपको विजयी बनाती है? देखिए, हमारे यहाँ जो लोग अब से पहले मुखिया थे उन लोगों ने सबसे बड़ा विकास जो समझा और जो कमाने का तरीका समझा, उन्होंने ये सोचा कि इंदिरा आवास योजना दे करके और लोगों से 20,000-25,000 समथिंग जो भी है इस तरीके से हालात को लोगों को बेकाबू किया, लोगों से पैसे ठगे, जिसकी वजह से आवाम यहाँ की ये चाहती है कि ऐसे लोगों को लाएं जो इस चीज़ को नाबाद करें। इसलिए ये लोग मुझे चुन रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अगर मुझे इन लोगों का दुआ मिला, प्यार मिला, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारी चीज़ों पर मैं अंकुश लगाऊंगा और 10,000-20,000-25,000 का जो लेने देने का मसला है उसको नाबाद करेंगे, बिचौलियों को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, इन सभी चीज़ों पर आप अंकुश लगाएंगे। इम्तियाज़ आलम हमारे साथ थे, इन्होंने बताया कि आखिर ये किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता इन पर क्यों भरोसा करती है। एक सबसे अहम और सबसे अंतिम सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं सिल्क टीवी के माध्यम से? मैं सभी लोगों से ये अपील करूँगा कि सबसे पहले तो आप लोग मुझे अपना दुआ दो, अपना प्यार दो, मुझे जिता के लाओ, और जो शिकायतें हैं, जो इंदिरा आवास के मामले को लेकर के शिकायत है, जो शिक्षा को लेकर मामले का शिकायत है लोगों का बीच में, या फिर अभी कुछ बच्चे ये भी मैंने सुना है कि स्पोर्ट्स के बारे में बोल रहे थे, तो मैं ऐसी सारी चीज़ों पर मैं ख्याल करूँगा और लोगों को बिज़नेस की ओर ही बढ़ाऊँगा, क्योंकि बिज़नेस को कोई नहीं देखता, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि यहाँ के युवाओं को मैं बिज़नेस की ओर बढ़ाऊँ, और अगर वो बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है खुशहाली आएगी, शिक्षा आगे बढ़ेगा तो खुशहाली आएगी, ये सबसे बड़ी दौलत है, इसी दौलत को मैं सोचता हूँ कि लोगों के बीच में उतारूँ। चलिए इम्तियाज जी, जनता का क्या मूड होगा ये तो 15 तारीख को चुनाव में ही पता चलेगा, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा जनता ने किन्हें अपना समर्थन दिया। आने वाले समय में भी हम पंचायत का दौरा करेंगे, हर एक पंचायत में जो वहाँ की स्थिति है, जैसा जनसंपर्क अभियान चल रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, ये सभी चीज़ें आपको सिल्क टीवी पर दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए लगातार सिल्क टीवी। जय हिंद।